जैसा कि दोस्तों जानते हैं 6 मॉड्यूल का बोर्ड है, इसमें हम एक पावर प्लग और एक नॉर्मल स्विच सॉकेट बैठाएंगे, और ठीक इसी तरीके से इसमें फैन को ऑपरेट करने के लिए और 2 बल्ब को ऑपरेट करने के लिए और 2 स्विच और 2 सॉकेट, जिसमें एक 16 एम्पियर का एक नॉर्मल सॉकेट होगा। तो हम आपको इसको फटाफट फिट करके, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ये 5 पिन सॉकेट है, इसमें एक लाइट या एक न्यूट्रल होता है। तो लाइट का सिंबल के लिए देखिए यहाँ पे L करके दिया है और न्यूट्रल के लिए यहाँ पे N करके दिया है। तो ठीक इसी तरीके से इसमें भी देखिए L और N, इसमें भी L और N, तो जो N होता है वो न्यूट्रल होता है। तो हमने देखिए ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर के न्यूट्रल से एक पॉइंट कोई भी न्यूट्रल आप बना सकते हैं। न्यूट्रल बनाते हुए यहाँ सॉकेट का न्यूट्रल दिए और फिर यहाँ पे इसको जो ब्लैक वाला वायर हम आपको दिखाए थे लाइट के लिए जो यूज कर रहे हैं उसको और इसको एक साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और ये जो हमारा लाइट का है ये हमारा स्विच पे चला जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हम आपको करके दिखाते हैं, ये देखिए ठीक इसी तरीके से देखिए हम इसको भी यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाते हैं। देखिए ये स्विच से होता हुआ लाइट पे गया, ये भी स्विच से होता हुआ ये एल वाले कनेक्शन पे जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं ये स्विच है, जो भी स्विच होता है स्विच पे लाइट दिया जाता है ताकि आप जब भी किसी चीज़ को ऑन ऑफ करें तो आपका लाइट ही ऑन ऑफ हो, चाहे लाइट हो चाहे कुछ भी हो, स्विच से आपका लाइट कटता है। तो जितने भी स्विच होते हैं सारे को एक ही सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, सेंटर में पूरा एक सिरा चाहे जो भी हो पूरा सेंटर में कनेक्ट किया जाता है। देखिए इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और ये दोनों को एक साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर, चलिए फटाफट इसको भी करके दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हमने लाइट का पूरा वायर पूरे स्विच पे कनेक्शन दे दिया है, तो पंखे का न्यूट्रल तो हमने आपको लुकिंग करके दिखाया था वहीं पे कर दिया था, येलो कलर का वायर थोड़ा सा 1 फिट का लेके ब्लैक कलर के वायर में लुकिंग कर दिया था। तो न्यूट्रल हमको हमारे पंखे को वहीं से मिल जाएगा और फेस के लिए ये स्विच से होता हुआ जाएगा तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, और रेगुलेटर से होके जाएगा तो हम रेगुलेटर से पंखे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इस इंडिकेटर को लाइट देने के लिए हमने ये न्यूट्रल का वायर न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया और ये फेस का वायर हम ये स्विच के नीचे वाले फेस पे कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारे इंडिकेटर को न्यूट्रल और फेस दोनों मिलता रहे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं ये हमारे बोर्ड का कनेक्शन पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, हम इसको चल रहे हैं आगे इंस्टॉल करने के लिए। जहाँ पे वायरिंग हुआ है वहाँ पे इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं अगर जैसे वायरिंग आपके कमरे में ना हुआ हो, आप सेम तरीके का बोर्ड अगर आप अपने कमरे में लगाना चाहते हो तो आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको लगाने का तरीका यही रहेगा दोस्तों कि जितना भी न्यूट्रल का वायर होगा, एक दो आपके कमरे में 2 ही कनेक्शन आते हैं, एक न्यूट्रल एक फेज का, तो न्यूट्रल का वायर N से कनेक्ट करिए सॉकेट के जितने भी पॉइंटेड होते हैं और स्विच के सारे कनेक्शन एक साथ सीरीज में करते हुए आप आ जाइए, तो आपको एक फेज का वायर किसी भी स्विच के नीचे वाले सिरे पे आपको देना होता है। तो आप यहाँ पे फेज दे देंगे, यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे, तो आप जो भी कनेक्शन लाएंगे, जैसे कि आप एक बल्ब वगैरह लाते हैं तो बल्ब में से आपका 2 वायर होता है, जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा कटिंग करके, तो आप इसी तरीके से आप कर भी सकते हैं। हम इसको ये वायर कटिंग कर दे रहे हैं, इसको हम बाद में फिर से अपने काम में ले लेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर जैसे कोई बल्ब हुआ या फैन हुआ तो उसमें 2 ही वायर आते हैं, तो आप 1-2 स्विच पे ले सकते हैं, पहला वायर आपका निकल गया बल्ब के लिए, और बल्ब को ऑन करने के लिए एक फेस और एक न्यूट्रल होता है। तो फेस तो हमको यहाँ से स्विच से हो जाएगा, यहाँ पर आप जब फेस देंगे किसी भी स्विच पर, तो एक तार हमारा ये हो गया फेस के लिए और एक हम यहाँ न्यूट्रल से ले लेंगे जो हमारा न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रल से कनेक्ट करने के बाद हमारा 2 वायर निकल जाएगा, तो जब भी आप इसमें बल्ब वगैरह या फैन वगैरह आप कुछ भी यूज करेंगे तो हमारा न्यूट्रल और फेस मिलेगा। तो जब भी आप इस स्विच को ऑन करेंगे तब आपका बल्ब या फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम आपको बाद में बताएंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा हमारा वीडियो तो आप कमेंट करिए, जो भी आपको समझ में ना आएगा हम उसे उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए हम इसको फटाफट इंस्टॉल करके दिखाते हैं आपको। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हमारा मेन कनेक्शन आया हुआ है, जो कि आप बाहर से कहीं या खंभे से या कहीं से भी आपका मेन कनेक्शन जो भी आएगा, इन्वर्टर आप नहीं लगाए तो आपका 2 ही वायर आता है, तो 2 वायर ये हमारा मेन हो गया। अगर इन्वर्टर के साथ में तो हमारा इन्वर्टर का भी न्यूट्रल इसी में कनेक्ट हो जाता है, उसको भी हम आगे आपको करके दिखाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको नॉर्मली कमरे का वायरिंग करना दिखा रहे हैं। तो ये हमारे बाहर का लाइट आया हुआ हो गया और ये जो हमारे कमरे में 6 मॉड्यूल के लिए बोर्ड गया है उसका ये 3 वायर है मेन का।
इसको हम पहले कर देते हैं एक साइड में, उसके बाद आपको हम स्विच का कनेक्शन करके दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये हमारे पॉइंट का है, हमने एक वायर अलग से डाला है ये, सॉरी इसके लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा जरूर। ये हमारा एक बाहर का फैंसी लाइट के लिए है, उसको हम वायर डालना भूल गए थे। इसमें आपको हम दो बल्ब और एक फैन का, ये रूम के लिए था, एक बाहर का था, इसे हमने अभी बाहर में इंस्टॉल किया है। तो इसके लिए हम अभी थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, तो हम इसको भी आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं, बाद में उसको भी इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे।